सरकारी नीम सरकारी मुलाजमीन ताजिरान शहरियान को नांदेड़ स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रेंज में पवन बोरा, दत्तात्रेय आनंदवार और गौतम जैन इन मुलजमीन की जानिब से फिरौती वो किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो तो वो अफराद फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कराएं। ऐसे अफराद को पुलिस की जानिब से तहफ़ फ्राहम करने की मैं गवाही देता हूँ, इस तरह का इजहार ख्याल नांदेड़ पुलिस रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस निसार तंबोली ने दी। 8 नवंबर को निसार तंबोली अखबारी नुमाइंदों से बात कर रहे थे। नांदेड़ शहर के वजीराबाद पुलिस के हदूद में FIR नंबर 397 आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मुद्दा था। इस सिलसिले में निसार तंबोली ने बताया कि नांदेड़ रेंज के नांदेड़, परबनी, हिंगोली और लातूर के शहरियान, ताजरान, सरकारी, नीम सरकारी मुलाजमीन अफसरान अगर पवन जगदीश बोरा उर्फ शर्मा, दत्तात्रेय पांडुरंग अनंतवार, गौतम जैन से किसी किस्म की कोई तकलीफ फिरौती का मुतालबा हो तो वो पुलिस से राबता करे। पिछले एक हफ्ता 10 दिन पहले एक कंप्लेंट वजीराबाद पुलिस स्टेशन में आई थी, जिसके तहत एक व्यापारी को कुछ लोग फिरौती मांग रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे और उसे अलग अलग तरह से तकलीफ में लाने की कोशिश कर रहे थे, उसे धमकी भी दी गई थी। उस कंप्लेंट की जांच करने के बाद हमने इमीडिएटली उसके ऊपर केस दाखिल की है और उस केस में हमने एक्सटॉर्शन के सेक्शंस लगाए हैं। एक्सटॉर्शन में वो केस दाखिल है। ये 3 आरोपी हैं जो किसी न किसी कारणवश किसी और RTI का डर दिखाते हुए लोगों से पैसे ऐंठना, उन्हें ब्लैकमेल करना, उनसे एक्सटॉर्शन करना, तकरीबन ये उनका थोड़ा सा तरीका हो गया है। ये केस के बाद उनके सर्चेस ली गई, उनके सर्चेस में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को वो RTI के एप्लीकेशन दिखाकर डर दिखाते हैं और उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। और काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास अभी है, सारे सर्चेस में मिला है। उनके पास एक वेपन भी है जिसके खाली कार्ट्रिजेस हमको मिले हैं, वेपन है उनके पास, वेपन भी हम वो रिकवर करने की अभी कोशिश करेंगे। वेपन का भी उन्होंने डर दिखाया था, फायर आर्म का, पिस्टल का। और आरोपी अभी अरेस्ट नहीं है, बट यकीन से कहता हूँ कि हम उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, अरेस्ट भी हो जाएंगे और उनका इंट्रोगेशन भी होगा। मैं सारे लोगों से ये आह्वान करता हूँ, व्यापारियों से, आम जनता से और अधिकारियों से भी, इन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरह का डर दिखाकर एक्सटॉर्शन किया है। अब तक इनके ऊपर केस दाखिल नहीं हुआ था, अभी इनके ऊपर केस दाखिल हुआ है। इनका हमने पुराना रिकॉर्ड ढूंढ के निकाला है और ये 3 आरोपी वैसे ही हैं जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं पहले के, पुराने, अलग अलग सेक्शंस में इनके केसेस हैं। तो इन्हें वो आदत है एक्सटॉर्शन की। हम सारे लोगों को आह्वान करते हैं पुलिस विभाग की तरफ से कि कृपया आप सामने आ जाइए, हमारे हाथ आप मजबूत कीजिए, हम आपको कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे, कोई आँच नहीं आने देंगे। हम जो कंप्लेनेंट है उनका आइडेंटिटी भी सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे। आरोपियों की तरफ से कोई तकलीफ किसी भी कंप्लेनेंट को नहीं होगी, ये मैं उम्मीद सबको जताना चाहता हूँ। लोग सामने आ जाएं, कंप्लेंट करें, हम सारे कंप्लेंट ले लेंगे, हम सारे जितने भी लोगों के कंप्लेंट है वो सारे दर्ज करने के लिए तैयार हैं और अच्छे से हम उसका इंट्रोगेशन करेंगे और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। 3 आरोपी हैं, एक है अनंतवार, दूसरा है पवन बोरा और तीसरा है गौतम जैन। ये 3 आरोपी के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई राइट नहीं है किसी भी वाहन को रोकने का या कहीं किसी एरिया में जाने का। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पुलिस को बता दे। ऐसा अगर कोई एक्टिविस्ट है जो खुद होके कहीं वाहन को रोकता है, किसी के घर में जाता है या किसी के प्रॉपर्टी में जाता है, तो वो गुनाह है। ऐसे लोग सामने आकर कंप्लेंट कर सकते हैं। हम बेझिझक, बेडर किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट दाखिल करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे और लोगों को सामने आना चाहिए। अगर किसी के पास पुलिस प्रोटेक्शन है तो उसका भी हम पूरी तरह से आढ़ावा ले रहे हैं, रिव्यू करेंगे सारा प्रोटेक्शन। हम तय करेंगे कि इस व्यक्ति को प्रोटेक्शन की सच में ज़रूरत है या नहीं है, उसके आधार पर ही फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बट कोई अगर गुनाह करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।